लॉकडाउन के रहते जनरल स्टोर, सौंदर्य प्रसाधनी, कपड़ा व्यापारी, कूलर व्यापारी मुश्किल में आए हैं। लेकिन आज दुकानें खुलने की आशा थी, लेकिन शासन द्वारा कोई निर्देश ही नहीं दिए गए, तब इन सभी की निराशा हुई है। कोरोना प्रकोप रहते तीसरा लॉकडाउन कर दिया गया, तब शासन के ओर सभी जगह में से किसी प्रकार के प्रतिष्ठानें शुरू रखी जाएगी, यह सूचना भी दी गई थी व माध्यमों द्वारा उसकी जानकारी भी दी गई है। शहर में सभी आस्थापनों को दुकान कुछ वक्त के लिए खोली जाएगी, यह उम्मीद थी। लेकिन जीवनावश्यक वस्तुओं की सभी दुकानें लॉकडाउन रहते शुरू थी, तब आर्थिक फटका इन लोगों को नहीं बैठा। आर्थिक नुकसान जो ज्यादा कपड़ा, सौंदर्य प्रसाधन, जनरल स्टोर, फर्नीचर, साथ ही कूलर व्यवसाय, इन व्यावसायिकों को जमकर मार पड़ी है। माझे जनरल स्टोर आहे, त्याच्या माझं सौंदर्य प्रसाधन दुकान असल्यामुळे आमचा जो लग्नाचा सीजन आहे त्याचा माल बोलावण्यात आला होता। त्यानंतर दुसऱ्या महिन्यात माझा माल आला होता। त्यानंतर तिसऱ्या महिन्यात सीजन लॉकडाऊन झाला, आमच्या लाखोचे माल असे पडून आहेत, त्याच्या डागासुद्धा खोलण्यात आल्या नाही आणि परिस्थिती फार गंभीर आहे। आणि माझ्याकडे कमी कमी 5-6 लोकांचा जो स्टाफ आहे त्यांचे पेमेंटसुद्धा देणे चालू आहे। 40-45 दिवस झालेत। आता काल आम्हाला माहिती पडलं की चालू होणार होत आहे, परंतु ग्रीन झोन असल्यामुळं चालू होणार होतं आम्हाला माहिती होतं, परंतु कलेक्टर साहेबांनी ऑर्डर न दिल्यामुळे आधी आमची निराशा झाली आहे आणि आर्थिक परिस्थिती आमची पूर्ण ढासळलेली आहे। आज 45 दिवस झालेत ग्रीन झोन असल्यानंतर सुद्धा दुकाने का चालू नाही करण्यात आली समजले नाही। काही दुकाने चालू, काही दुकाने बंद, इथपर्यंत की दारूचे सुद्धा दुकाने चालू आहेत। आम्ही काय करायचं ते सांगा। त्यानंतर लाखो रुपयाची लागत लागून आज उपासमारीची पाळी आली आहे, हे कसं काय तरी शासनाने लक्ष द्यावे। तसंच कलेक्टर साहेबांना विनंती आहे की तुरंत ऑर्डर काढून काही ना काही त्यातून मार्ग काढणे। जेव्हा सर्वीकडे ग्रीन झोन तुम्ही चालू म्हणता, चालू झाले नाही तर कसं होणार? 45 दिवस आम्ही कसे काढले आमच्या आम्हाला माहिती आहे। यानंतर सुद्धा समस्या वाढत आहेत, आम्ही काय करायचं? आमच्या तर फक्त हा 2-3 महिन्यात सीजन असतो, त्यानंतर काय असतं? आम्हाला तेवढं मेंटेन होणारच नाही आणि कसं काय करायचं? सर्व आर्थिक परिस्थिती आमची ढासळलेली आहे, असंच राहिलं तर काय होणार? तरी कलेक्टर साहेबांनी थोडंसं आमच्या समस्येकडे लक्ष द्यावं। सभी प्रतिष्ठानों को मांगलिक कार्य, शादी के सीजन में महत्व रहता है। साल भर का व्यापार, आर्थिक गणित इसी पे होता है। आज उनका सीजन का टाइम चला गया। कल जो सरकार द्वारा ग्रीन जोन, येलो जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन को गाइडलाइन दी गई, तभी सभी व्यापारियों को बहुत आशा लगी थी। आज प्रतिष्ठानें कुछ नियमों के साथ खोली जाएगी। बोला खोलो, स्टेट गवर्नमेंट बोलती खोलो, तो जिले का कलेक्टर क्यों नहीं बोल रहा खोलने को? मोबाइल ने धंधा करना, हार्डवेयर ने धंधा करना, किराने ने, लोगों ने किराना तो 2-3 महीने का खरीद लिए, बंद करना है तो सबको बंद करो। कहाँ कहाँ खुली हो बता? वाइन शॉप खुल गई, वाशिम जिला खुल गया, तो हिंगन घाट तहसील को क्यों नहीं दे रहे खोलने? कपड़ा रेडीमेड क्यों नहीं खुल रहा? टाइमिंग के साथ खोलने दो ना। इतने दिन से शुरू है? 40 दिन से आज बंद है। हमने इतने सारे लोगों का कहाँ से रोजी रोटी निकालना? और कुछ गलत है सरकार का निर्णय? बोलो तो सबके लिए खोलो, नहीं तो सबको बंद करो। वाइन शॉप हमको रोजी रोटी नहीं है क्या? 40 दिन से हम खाली बैठे हुए हैं, करना क्या हमने? कितने लोग हैं आपके दुकान में? हमारे 10-12 जो लोग हैं उनका पेमेंट कहाँ से देना? वर्धा जिला यह ग्रीन जोन में आता है। आज की तारीख में जिले में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है, तब जिला अधिकारी वर्धा द्वारा कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई। हिंगनघाट शहर के जीवन आवश्यक वस्तुओं के दुकानों पर सिर्फ शुरू थी। माननीय कलेक्टर महोदय, आपसे निवेदन है कि आज जिन 40-50 दिन हो गए लॉकडाउन में, मेरा कूलर का धंधा है, साल में एक ही बार धंधा आता है, सीजन का धंधा रहता है। अब इस सीजन में अगर हमको दुकान खोलने को मिलेंगी नहीं 40 दिन से, तो हम धंधा कैसा करेंगे? हमने माल खरीदी करके रख लिया, पैसे उसमें घुस गए,
और कुछ लोगों को देना भी है पेमेंट। हमारा जब धंधा होगा, कूलर बिकेंगे, तब जाके हमारी भी रोजी रोटी निकलेंगी और जिनको देना लेना है उनका भी देना लेना होगा। अभी आपने सब तरफ में ऑर्डर दे दिया है कि दारू की दुकान खुल जाए, किराना दुकान के पहले से खुली हुई है, सभी दुकानें खुली है, जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। आज मानते हैं कि ये ज़रूरत की चीज़ नहीं है आज की तारीख में, लेकिन आज जो स्थिति है ये खुलना चाहिए, कूलर की दुकान, कूलर बिकेंगे, जनरल स्टोर्स बिकेगा, तो कहने का मतलब ये होगा कि सर उसके अंदर में कुछ आवक होगी हमारे वाली, माल बिकेगा तो पैसे आएंगे, रोजी रोटी चलेगी। अगर ये धंधे नहीं होंगे तो सब हमारे आँख पर बैठ जाएंगे, फिर हमने अपनी रोजी रोटी धंधा पानी कैसे करना, हमने अपनी रोजी रोटी कैसे करना, कहाँ से निकालना, कौन देगा हमारे पैसे भाई? ये साल तो हमारे लिए बहुत भारी गुजर जाएगा, इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप कृपया हमें जो भी ज़रूरत की जो ये है सीजन का, जो है सीजन का जो धंधा है हमारा वाला, वो कृपया खुलने की हमको परमिशन दीजिए। तब बाकी सभी व्यापारियों की निराशा हुई, तब कपड़ा व्यापारी, जनरल स्टोर, सौंदर्य प्रसाधन विक्रेता, कूलर व्यापारियों ने अपनी समस्या बताई है। इन बीच न्यूज के लिए हिंगनगाड़ से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।